नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। ऑटो मार्केट में मनाया गया विश्वकर्मा दिवस। हरियाणा दिवस पर गीता जयंती महोत्सव की शुरुआत। और अब खबरें विस्तार से। भिवानी की ऑटो मार्केट में विश्वकर्मा मंदिर में हवन यज्ञ करके विश्वकर्मा दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में महंत वेदनाथ और महंत चरणदास महाराज का सानिध्य रहा। महंत वेदनाथ ने बताया कि दीपावली के अगले दिन विश्वकर्मा के पूजन के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर औजारों की पूजा अर्चना कर उनकी ज्योत बत्ती करके उन्हें रखा जाता है और प्रसाद के रूप में विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है। वहीं महंत चरणदास महाराज ने बताया कि इस दिन सभी दुकानदार अपने औजारों को गंगाजल से धो मांझ कर मंदिर में जाते हैं और प्रसाद वितरित करते हैं और भगवान विश्वकर्मा का आशीर्वाद लेते हैं। विश्वकर्मा दिवस पर ऑटो मार्केट के मंदिर में महंत वेदनाथ और चरणदास महाराज के सानिध्य में हवन का आयोजन किया गया। महंत वेदनाथ ने बताया कि यह प्रोग्राम विश्वकर्मा मंदिर में आयोजित किया जाता है। शास्त्रों के हिसाब से शनिवार को विश्वकर्मा डे है, लेकिन पुराने रीति रिवाज को देखते हुए दीपावली के अगले दिन विश्वकर्मा डे मनाया जाता है। इस सिद्धांत पर विश्वकर्मा डे मनाया गया है। इस अवसर पर भंडारा भी लगाया गया है। तो ये पूरा ही मास जैसे हमारे दीपावली के उपलक्ष में जो मनाया जाता है, तो पूरा ही महीने में 5 दिवसीय जो पूजा है लक्ष्मी पूजा के हिसाब से भगवान राम का आगमन जो ये चल रहा है, तो उसी के लगातार ये पर्व मनाया जाता है। या हर साल विश्वकर्मा डे में ये विश्वकर्मा मंदिर जब से भी ये स्थापित किया है तब से, क्योंकि दिवाली के दूसरे दिन मनाते हैं। वैसे तो त्यौहार उत्सव जब मनाते हैं तभी पूर्ण होता है, लगातार होने के कारण वैसे तिथि के हिसाब से आज एकम है, लेकिन दिवाली कल मना ली थी इसलिए आज विश्वकर्मा डे के नाम से, क्योंकि परंपरा हमारे जैसे कि दूसरे दिन चैत्र का और विश्वकर्मा डे आता है, इसलिए भक्त लोगों के श्रद्धा और भावना से उत्सव के रूप में आज ये विश्वकर्मा डे मनाया जाता है। विश्वकर्मा भगवान को हिंदू धार्मिक मान्यता ग्रंथों में निर्वाण एवं सृजन के देवता माना जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि सोने की लंका का भी बाबा ने निर्माण किया। भगवान विश्वकर्मा को निर्माण कार्यों का उद्गम माना गया है। विश्वकर्मा जी ब्रह्मा जी के पुत्र, धर्म तथा धर्म के पुत्र वासुदेव थे। वासुदेव के पुत्र जिनकी पत्नी का नाम अंगरिषि, भगवान विश्वकर्मा ने जन्म दिया, उनके 5 पुत्र हुए, उनकी 2 पुत्री जिनका नाम रिद्धि सिद्धि। आज हमारे ऑटो मार्केट के अंदर सभी मिस्त्री भाइयों ने विश्वकर्मा डे मनाया हुआ है। सभी इन्होंने विश्वकर्मा महाराज और अपने औजारों की पूजा की है। मंदिर में विश्वकर्मा महाराज जी का हमारे सभी मार्केट वालों ने भंडारा लगाया है। आज विश्वकर्मा का पर्व मना रहे हैं। शास्त्रों के हिसाब से कल का है, लेकिन आज हमारे यहाँ ऑटो मार्केट के अंदर पर्व है कि दिवाली से अगले दिन हमारी मार्केट की छुट्टी होती है, तो इसी करके हम ये भंडारा यहाँ आज लगाते हैं। साथ ही ऑटो मार्केट के कारीगरों का कहना है कि दीपावली के दूसरे दिन ही विश्वकर्मा डे मनाते हैं। सभी औजारों की पूजा करके धूप बत्ती लगाकर उनको तरतीब के साथ रखा जाता है। उन्होंने कहा कि इस दिन कोई कार्य नहीं होता। वही मिस्त्री विनय ने बताया कि उन्होंने सुबह औजारों को साफ करके गंगा जल से धोया और उसके बाद प्रसाद वितरित करके मंदिर में भगवान का आशीर्वाद लिया। तरफ से आज ही हमने विश्वकर्मा पूजन किया है जो दिवाली के अगले दिन आता है। इस उपलक्ष में हमने अपने औजारों को साफ किया अच्छे से। आज कोई भी काम नहीं होगा उन औजारों से। इस दिन हम विश्वकर्मा की पूजा करते हैं और हमारे जो स्थान है काम करने के वहाँ पे कोई फर्क नहीं होता। आज हमारे यहाँ ऑटो मार्केट में भंडारा भी लगाया गया है और सभी मार्केट वालों को प्रसाद विक्रित किया जाएगा। हनुमान जोहड़ी मंदिर धाम में युवा जागृति एवं जन कल्याण मिशन ट्रस्ट द्वारा हरियाणा दिवस के मौके पर गीता जयंती महोत्सव की शुरुआत की गई। इस अवसर पर मंदिर प्रांगण में पौधारोपण किया गया, जिसमें भिवानी के विधायक घनश्याम सराफ ने शिरकत की और 51 दिवसीय गीता जयंती महोत्सव की शुरुआत की। जोहड़ी धाम के महंत बाल योगी चरणदास महाराज ने बताया कि 21 दिसंबर तक जोहड़ी धाम में यह कार्यक्रम चलेगा और उसके बाद गीता जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज का सानिध्य रहेगा।
विधायक घनश्याम सर्राफ एवं मंदिर के महंत चरणदास महाराज ने पौधारोपण कर 51 दिवसीय गीता जयंती महोत्सव की शुरुआत की। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए हनुमान जोड़ी मंदिर के महंत चरणदास महाराज ने बताया कि 51 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत हरियाणा दिवस से की गई है, जो कि 31 दिसंबर तक हनुमान जोड़ी मंदिर में चलेगी। समापन कार्यक्रम में सानिध्य गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज का रहेगा। उन्होंने कहा कि गीता जयंती का हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। यह दिन भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश देने के अवसर पर मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि भगवत गीता एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो जीवन के मूल सिद्धांतों, धर्म, कर्म, भक्ति, ज्ञान और योग का संदेश देता है। गीता का उपदेश हमें धर्म का पालन करने, कर्म को महत्व देने और निष्काम भाव से जीवन जीने की प्रेरणा देता है। विधायक घनश्याम सर्राफ ने कहा कि हरियाणा दिवस पर गीता जयंती महोत्सव के कार्यक्रम का आगाज न केवल सराहनीय बल्कि प्रेरणादायी है। उन्होंने कहा कि गीता जयंती के माध्यम से समाज में धर्म और भारतीय संस्कृति के प्रति जागरूकता फैलती है। उदय हुआ और आज हम अनेक वर्षों के बाद भी इस दिवस को याद रखते हैं, क्योंकि इसमें हमें साफ सफाई का, पेड़ पौधे लगाने का और सभी जो भी काम समाज के हैं उनको लेकर आगे बढ़ने का एक प्रयास है और हम इस प्रयास में आगे बढ़ के सफल होंगे। हरियाणा में ऐसी सरकार बढ़िया बनी है नायब सैनी जी के नेतृत्व में कि प्रत्येक व्यक्ति उससे खुश नजर आता है और पहले बार 48 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जनता ने दी हैं और जनता आगे बढ़कर ये सारे काम जो भी हमारे पेंडिंग हैं उन सब को पूरा करने का हम जनता से आश्वासन करते हैं और पूरी तरह से हमारा देश एक बढ़िया देश के रूप में विकसित हो 2047 का नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य है और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हरियाणा सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है। जो भी भाई गरीब गुरबे समाज से आते हैं अनेक लोगों को 1,65,000 नौकरियां अब तक प्राप्त हो चुकी हैं और आने वाले समय में ऐसी नौकरियों के माध्यम से हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि 36 बिरादरी इसमें पूरी तरह से संलिप्त है और प्रत्येक व्यक्ति को इसमें जो पढ़ा लिखा है गुणी व्यक्ति है उसको नौकरियां मिल रही। आज हरियाणा दिवस है। हरियाणा दिवस के इस मौके पर हमने हरियाणा की संस्कृति को जीवित रखना है, हरियाणा की पीढ़ी को जीवित रखना है। पीढ़ी बचे, पीढ़ी के लिए हम काम कर रहे हैं। पीढ़ी के लिए कहीं ना कहीं हम एक सबसे बड़ा तो यही है कि हम गीता जैसे ग्रंथ को लेकर के पीढ़ी को संदेश देना चाहते हैं कि वो अपने जीवन में गीता जी को यदि पढ़ेंगे तो कई समस्याओं से उनको निजात भी मिलेगी और डिप्रेशन जैसी स्थितियाँ जो बन गई हैं, बच्चे, युवा, हर आदमी कहीं ना कहीं चिंता में है, चिंताग्रस्त है, तो उससे कहीं ना कहीं उभारने के लिए, निकालने के लिए गीता एक ऐसी टॉनिक है। यदि हम उसको लेते हैं तो ज़रूर हमारी समस्याएं भी कम होंगी और कुछ ना कुछ अच्छा करने का एक भाव भी बनेगा। तो आज 1 नवंबर है, हरियाणा दिवस है, उस पर कुछ ना कुछ करते हुए हमने 51 दिन तक जब गीता जयंती कार्यक्रम रहेगा जब तक हमने 51 दिन तक एक एक संदेश लोगों तक पहुँचाना है और ये तो हमारा सौभाग्य है कि गीता जैसे इतने महाग्रंथ को और गीता के उपदेश को हरियाणा की भूमि पर हरि ने दिया है। तो हम भी युवाओं से चाहेंगे कि उन उपदेशों के यदि हम कहीं ना कहीं अपने जीवन में धारण करते हैं। दिन हरियाणा की स्थापना हुई थी और हरियाणा जो कि हमारे भारत देश का एक मुख्य प्रदेश है, हरियाणा के लिए कहा ही जाता है देशों में देश हरियाणा जहां दूध दही का खाना। तो हरियाणा अर्थात हरियाली, सदा सुख शांति से भरपूर हमारा हरियाणा प्रदेश और हम हरियाणा प्रदेश के अपने आप को मानते हुए गर्व महसूस करते हैं, क्योंकि ये वो हरियाणा है जहाँ पर स्वयं भगवान ने कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता का उपदेश दिया था। गीता जो कि सर्वशास्त्रमय शिरोमणि है, परमात्मा ने हर इंसान के लिए ये उपदेश दिया कि गीता एक पारिवारिक शास्त्र है, गीता एक सामाजिक शास्त्र है, गीता एक राजनीतिक शास्त्र है। अगर इसको हर आत्मा, हर इंसान अपने जीवन में धारण कर ले तो गीता जीवन जीने का शास्त्र है और गीता को धारण करने से हमारा जीवन सुख शांति संपन्न बन सकता है। और अब चलते चलते कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को भैया दूज का पर्व मनाया जाता है। इसे यम द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई को तिलक करती हैं और उनकी लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार
भगवान श्री कृष्ण ने राक्षस नरकासुर का वध कर अपनी बहन सुभद्रा से मुलाकात की थी। इस दौरान सुभद्रा ने श्री कृष्ण को तिलक किया और माला पहनाकर उनका स्वागत किया, साथ ही उन्हें मिठाइयां भी खिलाई। सुभद्रा ने अपने भाई की दीर्घायु के लिए कामना की थी। इसके पश्चात इस दिन बहनें भाइयों को तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र की कामना करने लगी। एक अन्य कथा के अनुसार इस दिन भगवान यम अपनी बहन यमुना से मिले थे। माँ यमुना ने यम देवता का आदर सत्कार किया और उन्हें भोजन करवाया। इसमें यम देव अति प्रसन्न हुए। उन्होंने वचन दिया कि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि पर जो कोई अपनी बहन से मिलने उनके घर जाएगा, उस व्यक्ति की हर मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी, साथ ही सुख और सौभाग्य में भी वृद्धि होगी। तभी से भैया दूज मनाने की शुरुआत हुई। यह पर्व भाई बहन के स्नेह का प्रतीक है। कोई बहन नहीं चाहती कि उसका भाई दीनहीन हो, सामान्य जीवन जीने वाला हो, ज्ञान रहित, प्रभाव रहित हो। इस दिन किसी कारण से भाई अपनी बहन के घर नहीं जा पाता है तो बहन स्वयं उसके घर चली जाती है। भाई अपनी बहन को अन्न वस्त्र आदि देकर उसके चरण स्पर्श कर सुभाशीष प्राप्त करें। इस दिन कायस्थ समाज में अपने आराध्य देव चित्रगुप्त की पूजा की जाती है। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। ऑटो मार्केट में मनाया गया विश्वकर्मा दिवस। हरियाणा दिवस पर गीता जयंती महोत्सव की शुरुआत। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।